Students, in this video, let us solve example 4.3. I am reading the question. What is the radius of the path of an electron given mass 9 into 10 raised to minus 31 kg and charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs moving at a speed of 3 into 10 raised to 7 meters per second in a magnetic field of 6 into 10 raised to minus 4 Tesla perpendicular to it? What is its frequency? Calculate the energy in kilo electron volts. It is also given that 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. Students, example 4.3 भी बहुत simple है और एकदम straight forward formula के application है. चलो solve करते हैं इसको. सबसे पहले तो जो given data है उसको समझ लेते हैं. हमको particle का पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो हमको पता है 9.11 इंटू 10 रेसो माइनस 31 के जी होता है, लेकिन बुक में उन्होंने स्पेसिफाई किया 9 इंटू 10 रेसो माइनस 31 के जी. हम बोलेंगे हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेसो माइनस 19 कूलम्स होता है. ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी 3 इंटू 10 रेसो 7 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है, हमको दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 6 इंटू 10 रेसो माइनस 4 टेस्ला, और ये भी दिया है कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है. वी हैव टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स. हमको रेडियस ढूंढना है, हमको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, और हमको एनर्जी ढूंढना है. रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है. फर्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व. रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज. वैल्यू ऑफ एम इज 9 इंटू 10 रेस टू 9 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू 7 divided by charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 and magnetic field is 6 multiplied by 10 raised to minus 4 Tesla. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमको क्या मिलता है, लेट अस सी. वी हैव 9, अगर कैलसी मैं फटाफट इसका कैलकुलेशन कर दो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6, सो यू गेट 2.8125 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 31 प्लस 7, सो यू हैव 7 माइनस 31 इज माइनस 24, देन प्लस 19 ये ऊपर चला जाएगा, सो आपको मिल जाएगा माइनस 5, करेक्ट है? यस. फिर ये माइनस 4 भी ऊपर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा एंड यू गेट माइनस 1, सो दिस इज इनटू 10 रेस टू माइनस 1, सो यू हैव 0.28 अप्रॉक्सीमेटली मीटर्स. यू कैन राइट इट एज 28 सेंटीमीटर्स. आपकी बुक में उन्होंने 26 सेंटीमीटर्स दिया है, दैट इज अ स्मॉल एरर, डजंट मेक अ बिग डिफरेंस. सो दैट इज हाउ वी गेट द रेडियस 28 सेंटीमीटर्स. अब दूसरा हमको ढूंढना है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया देखो, उसका फॉर्मूला आप समझ लो, इजी है. हमको पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो V इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 2πf, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लिखेंगे, सो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू V अपॉन 2πr. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. V की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेस टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस. वी गॉट 28 सेंटीमीटर्स, यानी कि 0.28. इफ आई कीप, व्हाट डू वी गेट, लेट अस सी. इफ आई डिवाइड 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 0.28, यू हैव 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू 7, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, दिस कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 10 रेस टू 7. हैव आई मेड एनी मिस्टेक? 1.70 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 0.28 इज ऑफकोर्स 1.70, सो यू हैव 1.7 into 10 raised to 7 hertz. That is 1.7 can be written as approximately 2 into 10 raised to 7 hertz. 10 raised to 7 hertz.
that can be written as approximately 220 multiplied by 10 raised to 6 hertz, and I can write 20 megahertz. So this is the frequency of the particle. I wonder why they have written 2 megahertz. You can check it out if there is any error. 20 megahertz is what we are getting. And lastly, we want to find out energy in kilo electron volts. Let us find out the energy now. Formula for energy is half mv square, half multiplied by mass is 9 into 10 raised to minus 31, multiplied by velocity is 3 into 10 raised to 7, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख देते 9 into 10 raised to 14. So 81 divided by 2 is 40.5 into 10 raised to minus 31 plus 14 is minus 17 joules. ये हमको एनर्जी मिल गया माइनस 17 जूल्स. अब देखो स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतने जूल्स हो गए 40.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 17 जूल्स, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा. सो इट्स वेरी सिंपल, यू विल डिवाइड 40.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 17 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19. So you will have 40.5 divided by 1.6. You get 25 point something. So 25 point something 3125 multiplied by 10 raised to 2. So 25 point, we can simply write as 25 into 10 raised to 2 electron volts. I can write it as 2.5 into 10 raised to 3 electron volts. Abhi 10 raised to 3 hai, toh aap likh sakte ho 2.5 kilo electron volts. That is the answer. So, students, we finished the three questions. We have found out the radius, we have found out the frequency, and we have also found the energy in kilo electron volts. Ab maine bar bar har ek part khatam hone ke baad radius wala portion maine rub kar diya. उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन रब कर दिया और फाइनली एनर्जी. तो जो भी पार्ट है वो आप उसी पोर्शन में बैक जा करके वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो, या तो फिर आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन देख सकते हो. आई फाइंड सम एरर इन द टेक्स्टुअल सॉल्यूशन. एनीवेज, वी फिनिश दैट टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.